हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि जब हम स्टिच करते हैं तो स्टिच करते करते बीच में ही थ्रेड ब्रेक हो जाता है, उसके तो ये कारण हो सकते हैं कि आपने नीडल गलत चूज़ कर ली है। जो आप बीड वाली नीडल होती है या शार्प पॉइंट वाली नीडल होती है उसको अगर आप सिर्फ थ्रेड से वर्क करेंगे तो थ्रेड टूट ही जाएगा, क्योंकि उसका पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत ही शार्प होता है। तो ये पहला कारण है। और दूसरा कारण, आपने थ्रेड जो लिया है उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से आपका थ्रेड बार बार ब्रेक हो रहा है। तो अगर स्टिच करते हुए थ्रेड बीच में ही ब्रेक हो गया तो उसको हम कंटिन्यू कैसे करें, तो आज इस वीडियो में हम वो देखेंगे। तो जहाँ से भी आपको अपनी स्टिच को स्टार्ट करना है वहाँ से अगर आप स्टिच स्टार्ट करते हैं और बीच में ही थ्रेड ब्रेक हो जाता है, तो आपको क्या करना है, जहाँ से भी आपका थ्रेड ब्रेक हो चुका है तो वहाँ से आपको स्टिचेस जितने भी आपने की है उसको फिर से ओपन नहीं करना है। आपको ये काम करना है कि जहाँ पे भी अगर आपकी यहाँ पे थ्रेड ब्रेक हो चुका है तो यहाँ से थोड़ी पीछे की तरफ आपको स्टिचेस को ओपन कर लेना है, जितना कि हम नीचे से थ्रेड को पकड़ सके उतना आपको थ्रेड को हाथ में ले लेना है। और यहाँ पे जहाँ पे थ्रेड ब्रेक हुआ है वहाँ पे आपको सिंपली थ्रेड को लॉक कर देना है। यहाँ पे आप थ्रेड लॉक हो चुका है और यहाँ से आगे की स्टिचेस को आपको यहाँ से ही कंटिन्यू करते जाना है। तो जहाँ पे भी आपका थ्रेड ब्रेक हो चुका है वहाँ से आपको कंटिन्यू स्टिचेस को करते जाना है। इससे आपका ब्रेक कहाँ पे ब्रेक हुआ है, आपका थ्रेड कहाँ पे ब्रेक हुआ है ये आपको पता भी नहीं, मतलब डिज़ाइन में दिखेगा भी नहीं, और बिना पूरे स्टिच ओपन किए आप कंटिन्यू स्टिचेस कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर थ्रेड बीच में ही अगर थ्रेड ब्रेक होता है तो आपको कैसे उसी को कंटिन्यू करते जाना है, और आपको पूरे के पूरे जितने भी आपने स्टिचेस की है उसको आपको फिर से ओपन नहीं करना है। तो इसी तरह से आपको पूरे स्टिचेस को कंप्लीट करते जाना है। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको ये समझ में नहीं आया है तो फिर से आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर आप आरी वर्क सीख रहे हैं तो हमारे जो जितने भी आरी वर्क के क्लासेस है उसको देख के आप और आगे के स्टिचेस को आप इजीली आरी वर्क में सीख सकते हैं। तो जहाँ पे भी थ्रेड ब्रेक होता है तो आपको घबराना नहीं है, या फिर आपको पूरे स्टिचेस को ओपन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपका थ्रेड ब्रेक हुआ है उससे पीछे आपको दो तीन स्टिच को ओपन करना है, सिर्फ जितना आपका जो ब्रेक हुआ हुआ थ्रेड है वो आपके नीचे के हाथ में आ सके और आप उसे लॉक कर सके, बस इतना आपको स्टिचेस को ओपन करना है और स्टिच को लॉक कर दें। तो देखो यहाँ पे हमारा थ्रेड ब्रेक हो चुका था तो इसी को ही हमने यहाँ पे लॉक कर दिया है और उसी थ्रेड से हमने कंटिन्यू स्टिचेस कर दिए हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि यहाँ पे हमारा थ्रेड ब्रेक हो चुका है। तो आपको भी सेम इसी मेथड से आगे वर्क कर लेना है, ताकि जहाँ पर भी थ्रेड ब्रेक हो चुका है वहाँ पर या उसी स्टिच को आपको डबल से ना करना पड़े, या उसी स्टिच को आपको बीच में ही ना छोड़ना पड़े। अगर आप जहाँ पे थ्रेड ब्रेक हो चुका है वहाँ पे वो थ्रेड वैसे ही छोड़ दोगे या उससे आगे आप स्टिचेस को कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ से जो पीछे के जो स्टिचेस है वो ओपन हो सकती है। तो आपको हमेशा एंड में नॉट लगा लेना है, ताकि आपने जितना भी स्टिच किया है वो स्टिच आपका फिर से ओपन ना हो। तो जहाँ पर भी थ्रेड ब्रेक होता है वहाँ पर आपको लॉक कर देना है और आगे की स्टिचेस को स्टार्ट कर देना है। तो आज के वीडियो में ये सीखा कि बीच में थ्रेड ब्रेक होने से आपको
क्या करना है या आपको क्या करना चाहिए, थ्रेड की क्वालिटी कैसे यूज़ करनी चाहिए, पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लेना। नीडल्स को कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में भी वीडियो अपलोड हुआ है, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है थ्रेड बीच में ब्रेक होता है तो ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपको बस इसी तरह से आगे एक वर्क कंटिन्यू कर देना है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।